सिंह गांव में ये तीन बार के लगातार विधायक हैं और तीन बार दो बार उम्मीदवार हैं और रमन सिंह का आना यहां पर एक बड़ी ताकत माना जा रहा है। राजनांदगांव ऐसी सीट है जहां से करुणा शुक्ला ने उनको कड़ी टक्कर दी थी और देखिए यहां पर पूजा करके आप निकलेंगे वोट डालने के लिए। और सबसे अहम बात ये भी है इसके कि इस बार की जो लड़ाई है बीजेपी की ओर से सबसे अधिक यहां पर अनुमति जनता पार्टी कम से कम 14 सीट पर जीतकर प्रथम चरण में आ रही है। कितनी चुनौती होगी क्योंकि पिछले बार अच्छा परफॉर्मेंस नहीं था बस पे। फेज वन भी तगड़ा रहेगा, अच्छा रहेगा, फेज टू भी अच्छा रहेगा और भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी। छत्तीसगढ़ की जनता का के अंदर छत्तीसगढ़ में जबरदस्त अंडर करेंट है। भूपेश कह रहे हैं कि ईडी मतलब बीजेपी, बीजेपी मतलब ईडी। अब भूपेश को डर ईडी का इसलिए है कि अपराध किया है, यदि आपने भ्रष्टाचार नहीं किया है तो फिर क्यों डरना। कौन सीएम बनेगा बीजेपी की अगर सरकार बनेगी? विधायक दल तय करेगा। चलिए नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज 24।